करीब एक महीने के अंतराल के बाद दोस्तों आपका फिर स्वागत करता हूँ इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के रिव्यू में। मैं इस समय आपको रोबोट चौराहे से मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, और पिछला जो वीडियो है मेट्रो अपडेट का जो है, मैंने 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को मैंने आपको 2 रिव्यू दिखाए थे, जिसमें आपको सुपर कॉरिडोर से लेके पूरा सिटी एरिया तक पूरा आपको रिव्यू दिखाया था। तो ये दोस्तों आप देख रहे हैं, ये पिलर्स बन के तैयार हैं, अब इनका जो टॉप है वो भी बन गया है, और अब बहुत जल्दी यहाँ पे अब सेगमेंट लॉन्चिंग होने वाली है। और आपको जो आज ख़ास खबर जो मैं देने आया हूँ वो ये है कि जो सेगमेंट लॉन्चर जो होता है वो फ्रेंड्स अब रिंग रोड की तरफ मुड़ गया है। पहले जो है वो ये अभी काम कर रहा था विजयनगर से लेके जो रेडिसन चौराहे के बीच में, लेकिन अब ये रेडिसन चौराहे से भी अब ये टर्न होके ये इस तरफ अब ये बढ़ता दिखेगा हमें आगामी दिसंबर में। आपको एक बार फिर बताऊं दोस्तों कि ये जो पार्ट है जब MR10 ब्रिज से लेके ये रोबोट चौराहा तक का, ये दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के पास है, और दिलीप बिल्डकॉन कंपनी जो है वो अब अपना काम बिल्कुल समेटने की तैयारी कर रही है। मुझे लगता है 2 से 3 महीने के भीतर, या हो सकता है उससे जल्दी भी, ये काम जो है वो पूरा हो जाए। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं रेडिसन चौराहे की तरफ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि लॉन्चर आखिर अभी किस स्थिति में है और क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ सेगमेंट उसने लगा दिए। ये दोस्तों आ गया है वो स्पॉट जहाँ पे ये आप देखिए टर्निंग पे जो है वो लॉन्चर खड़ा हुआ है। ये बड़ा ही खूबसूरत था, ये बिल्कुल दृश्य है। यहाँ से मेट्रो कॉरिडोर जो है वो MR10 से रिंग रोड की तरफ मूव करेगा। ये रेडिसन चौराहा है, पीछे आपको बैकग्राउंड में आपको रेडिसन होटल दिखाई दे रहा होगा। तो ये इसका वायाडक्ट, मेट्रो स्टेशन का यहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन बनना है रेडिसन पे, इसका काम तो अभी फ़िलहाल तो बिल्कुल समेट दिया गया है। आप देख रहे हैं मेट्रो स्टेशन जो है वो रेल विकास निगम लिमिटेड बना रहा है। ये आपको लॉन्चर दिखाऊं मैं, ये देखिए आपको एक और बात बता दूँ, रेडिसन से ले रोबोट चौराहे तक फ्रेंड्स करीब मुश्किल से ये 15-17 पिलर्स होंगे जिनके बीच में सेगमेंट की लॉन्चिंग होना है। ये पोर्शन आप जो देख रहे हैं, ये जो कर्व है, ये जो मोड़ है, यहाँ पे सेगमेंट लॉन्चिंग लगभग ये पूरी कर दी गई है। सेगमेंट अब ये बड़ा ये जो पिलर बने हैं, तो यहाँ से ये लगाते हुए अब ये आगे बढ़ेगा। ये जब बन रहे थे दोस्तों तब समझ में नहीं आता था कि ये ऐसा कैसा ये पिलर बन रहे हैं, लेकिन अब समझ में आता है कि पिलर बीच में नहीं बनाना पड़े, तो ये इसलिए ये 2 पिलर बनाए जाते हैं। बहुत ही शोर हो रहा है यहाँ पे। अब ये आगे बढ़ेगा दोस्तों, और हम भी अब आगे बढ़ते हैं विजयनगर चौराहे की तरफ। ये लॉन्चर का मैं आपको व्यू जो है वो दूसरे एंड से दिखा रहा हूँ, यानी MR10 पे खड़ा होके। देखिए टर्निंग में ये कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये कर्व भी पूरा बहुत नपा तुला दिया गया है रेलवे या मेट्रो के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो उसके जो उसकी गाइडलाइन होगी उसके हिसाब से दिया गया है। ये आप देख सकते हैं वायाडक्ट यहाँ पे पूरा ये
लगा दिया है, पूरे सेगमेंट्स जो हैं लगभग पूरा ये पूरा कॉरिडोर जो है वायाडक्ट जो है वो बना के रेडी हो गया है। आपको आगे मैं रनिंग में दिखाता हूँ पूरा, तो आपको देखने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये फिनिश फॉर्म में। अब जो इसके पैरापेट हैं दोस्तों, जो सेगमेंट के दोनों तरफ साइड में लगाए जाएंगे, अब वो पैरापेट भी हमको देखने को मिलेंगे जल्दी। ये देखिए पूरा व्यू। अब हम आगे बढ़ते हैं विजयनगर चौराहे की तरफ। सेगमेंट लॉन्चिंग तो दोस्तों देखिए आप अभी भी हो ही रही है। ये जो आप यदि आप देख पा रहे हो, ये देखिए आप सेगमेंट लटके हुए हैं। तो दोस्तों ये जैसा अभी आपने देखा कि ये पैरापेट जो हैं वो भी लगना ये सब चालू हो गए हैं। ये सब दोस्तों ये सब फिनिशिंग संबंधी जो काम है, पैरापेट तभी लगाए जाते हैं जब फिनिशिंग करना हो। और आप ये देखते हैं विजयनगर के पास में मेट्रो स्टेशन का काम यहाँ पे ज़रूर चल रहा है तेज़ी से, लेबर भी दिख रही है। और ये इधर सयाजी की तरफ का जो पूरा पार्ट है वो भी पूरा लगभग रेडी हो गया है। और सयाजी के वहाँ का जो मेट्रो स्टेशन है उसका भी काम मैं आपको अभी इसी वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितना बिल्कुल फिनिश फॉर्म में नज़र आ रहा है पूरा वायाडक्ट। ये पैरापेट लगाने के लिए भी ये पूरी सब ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं सयाजी तिराहे की तरफ। आपको दोस्तों विजयनगर से सयाजी के बीच में आपको एक और बदलाव दिखेगा, और वो ये कि जहाँ जहाँ पर काम अब जो है वो कम्प्लीट होता जा रहा है, वहाँ से जो बैरिकेडिंग जो की गई थी दोस्तों वो अब हटाए जाना जो है वो चालू कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, तो इससे जो रोड विड्थ जो प्रॉब्लम आई थी, देखिए आप जैसे ये वाला एरिया बड़ा नैरो टाइप का है, लेकिन अब ये यहाँ पे काफ़ी जगह जो है वो पूरी मिल रही है। तो अब जैसे जैसे ये काम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो बैरिकेड जो हैं ये मध्य प्रदेश मेट्रो कंपनी के, वो भी अब हटना चालू हो रहे हैं। लगभग एक डेढ़ साल दो साल का ये पूरा टेन्योर रहा दोस्तों, मतलब कम से कम डेढ़ साल का। अभी हालांकि सामने की तरफ के जो हैं वो बैरिकेड नहीं हटाए गए हैं, लेकिन बहुत जल्दी अब चूँकि अब यहाँ पे कुछ काम तो कुछ होना नहीं है तो अब इन्हें भी हटाया जाएगा।